विधानसभा के हमीरपुर सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना शुक्रवार को सुबह 8 बजे से समीरपुर स्थित कृषि उत्पादन मंडी परिसर में शुरू हो गई। इसमें भाजपा की युवराज सिंह, बसपा के नौशाद अली, सपा के डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति और कांग्रेस के हरदीपक निषाद सहित 9 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। अब तक 9वें राउंड पूरे हो चुके हैं। 9वें चरण के बाद बीजेपी 2964 वोटों से आगे है और दूसरे स्थान पर सपा है। आपको बता दें कि हमीरपुर विधानसभा सीट के लिए सोमवार को हुए उपचुनाव में 51% मतदान हुआ था। केरल के पाला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में थे। ये सीट पूर्व वित्त मंत्री और केरल कांग्रेस के नेता केएम मणि के निधन के कारण खाली हुई थी। हालांकि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में विधानसभा के लिए उपचुनाव में 60% मतदान हुआ था। हमीरपुर में 23 सितंबर को हुए उपचुनाव की आज हो रही है मतगणना। 7 बजे से खुले जाएंगे स्ट्रॉन्ग, 8 बजे से मतगणना प्रारंभ। 9 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई मतगणना। मतगणना सुरक्षा में 3 CO, 18 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर, 200 पुलिस, 24 महिला कांस्टेबल के साथ अर्धसैनिक बल और PSC की भी एक टुकड़ी तैनात है। सुमेरपुर की गल्ला मंडी में 8 बजे से शुरू हुई मतगणना। प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी से युवराज सिंह, कांग्रेस से हरदीपक निषाद, सपा से मनोज प्रजापति और बीजेपी से नौशाद अली शहर 9 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज 8 बजे से आना शुरू हो जाएगा। बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को 5 लोगों की सामूहिक हत्याकांड के आरोप में हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, सजा जिसके चलते हमीरपुर विधानसभा सीट रिक्त होने के कारण हुए थे उपचुनाव। लगातार बीजेपी शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं। 6वें राउंड में 1761 वोटों से समाजवादी पार्टी से आगे चल रही है। हमीरपुर से पंजाब केसरी के लिए रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।